दुनिया में कोरोना महामारी आए भले ही 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने देश में अधिकाधिक तौर पर कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने का दावा किया है। यानी उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने देश में कोविड के प्रकोप की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पूरे उत्तर कोरिया क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य मीडिया ने बताया कि पोंगयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस पाया गया है। देश की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक देश के इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रंट का कहना है कि ये देश में अब तक की सबसे बड़ी आपातकालीन घटना है, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक फरवरी 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से बीते 2 साल और 3 महीनों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, इसके बावजूद कोरोना ने देश में अपने पांव पसार लिए हैं।